आज शौर्य के लिए बहुत कुछ खरीदा है और कुछ चीजें ऐसे होते हैं जिनको हम संभाल के रख लेते हैं, तो इसी के साथ ही मेरा ब्लॉग शुरू कर रही हूँ अब। शौर्य के लिए उसकी राइस सेरेमनी में उसकी पिशी पिशो ने ये जो कुर्ता होता है ना, ये वाला कुर्ता ऑर्डर करके लाए थे। ये कुर्ता उसे बहुत पसंद था। 6 मंथ की जो राइस सेरेमनी है उसमें उसने ये कुर्ता पहना था। ये मैंने प्रिजर्व करके रख दी थी और उसके साथ आता है ये धोती, ये नॉट किया गया ये धोती आता है। और ये सेट मैं संभाल के रख दिया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं 1 ईयर का जो सेलिब्रेशन है शायद लॉकडाउन में ये नहीं हो सकता है, तो इसीलिए मैंने ये कुर्ता पजामा उसके लिए सेव करके रखा था। और ये है टोपो, बंगाली में इसे टोपो कहते हैं। बंगाली शादी में या फिर बंगाली के राइस सेरेमनी में बच्चों के लिए या फिर बंगाली में जो बच्चे उपनयन होते हैं तब ब्राह्मीण बच्चे के लिए ये यूज करते हैं, तो ये मैंने संभाल के रख दिया था। ये भी शौर्य का 6 मंथ का जो राइस सेरेमनी है उसी का है और अभी भी ये काफी अच्छी तरह फिट हो जाती है शौर्य को, तो ये मैंने रख दी थी क्योंकि मुझे पता था लॉकडाउन थोड़ी थोड़ी ओवर हो चुकी है और अभी जब वो ऑफिस जाएंगे उससे बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलेगा, तो इसीलिए मैंने ये संभाल के रख दी थी, ये वो कुर्ता पजामा। और ये मैंने खरीद के ले आई, इनमें एक गुलाब भी था जो शौर्य ने उठा लिया। देखिए आपको वीडियो में दिखेगा ये सारे पहना के, मैंने उसको खाना परोसा है, दोपहर में लंच परोसा है और दोपहर में जो लंच में है तो वो सारे बंगाली मेनू के अकॉर्डिंग है। थोड़े बहुत उसके दादा भी उसके साथ बैठे थे तो दोनों मिल बांट के दो भाई ने खा लिया। क्या हुआ, मैं और शौर्य दोनों ही सो गए, मेरा लंच नहीं हुआ था। अभी बजा है घड़ी में 6:15, अभी तक मैंने लंच नहीं की क्योंकि मैं सुबह खरीदारी करने के लिए गई थी और उसके बाद आके शौर्य के लिए पायस बनाया और उसके बाद सारे जो फ्राइड चीजें हैं 5 टाइप के फ्राइड चीजें हमको देनी पड़ती है तो वो बनाया, उसके बाद उसको नहलाया, वो भी मैंने ब्लॉग में डाल दी है। उसके बाद उसको तैयार करके उसको उसके दादाजी के पास भेजा, पास में ही रहते हैं वो बहुत प्यार करते हैं शौर्य को, वो उसके बाद भेजा। वहीं पे मेरा एक देवर जी है नीलाद्री, उनसे भी मिलना हो गया। वो काफी समय शौर्य को रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं,
उन लोगों के दिल के बहुत करीब है शौर्य, तो इसीलिए उनके पास सच सच के शौर्य गया और बर्थडे के दिन उनसे मिलना तो जायज था। पर अम्मा जी से मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि वो आई ट्रीटमेंट के लिए दिशा गए थे। मेरा एक देवरानी है अनामिका, उसके साथ भी मिलना हो गया और यहाँ हम शौर्य के लिए केक कटिंग करेंगे। और उसके पापा अभी नहीं है क्योंकि वो ऑफिस है, क्योंकि ऑफिस से बिल्कुल भी उनको छुट्टी नहीं मिला, तो इसीलिए हम यानी कि मैं, शौर्य के दादा सौमा और मेरा ससुर जी तीनों मिलके शौर्य के लिए केक कटिंग करेंगे। आज मैंने शुरू किया था व्लॉग बहुत सुबह से, लेकिन क्या हुआ कि इतनी बारिश हो रही थी और मुझे खरीदारी भी करनी थी, तो इसीलिए सारे ब्लॉग मैंने सेव करना ही भूल गया। और देखिए फ्रेंड्स, ये रहा शौर्य का बर्थडे वाला केक, ये अभिलाषा ने बनाया है और उसमें लिखा है हैप्पी बर्थडे शौर्य। ये हम काटने वाले हैं अभी।